बीजेपी सरकार से सभी लोग परेशान हैं। डीजल, गैस, पेट्रोल सब एक आंधी की तरह बढ़ रहे हैं। जी अखिलेश यादव को चुनेंगे? क्यों चुनेंगे, क्या किया उन्होंने? उन्होंने बहुत कुछ किया है। अखिलेश सरकार को लाना चाहते हैं, इन्होंने हमारे यहाँ कोई काम नहीं करा। योगी जी ने जमीन पर कोई काम नहीं करा। इनका धर्म के नाम पे वोट लेने का ही काम करते हैं ये। इन्हें धर्म के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और पूछना इनसे, कभी क्वेश्चन करना, रामायण में ये लिखा हुआ है कि राजा अगर सही ना हो तो उस राज्य में और उस देश में विपदाएं आती हैं, टिड्डी दल आता है, महामारी आती हैं, बीमारियां आती हैं। वही हो रहा है इस देश में। मोदी जी भी योग्य प्रधानमंत्री नहीं है और यहाँ योगी जी भी योग्य मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए इस देश पर आफत आ रही है। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूँ सुनीता सिंह। आज हम लोग आए हुए हैं कैथाला गांव विधानसभा सिकंदराबाद में। यहाँ एक गांव में जमावड़ा लगाया हुआ है। देखते हैं 2022 में किसके हाथ में बाजी जाती है और किसके हाथ में नहीं जाती है। 2022 में चुनाव किस उद्देश्य से ये लोग करते हैं, आइए जानते हैं यहाँ पर इन लोगों से। जी क्या नाम है आपका? मैं मुकेश भारती, मेरा गांव पितोवास है, सिकंदराबाद विधानसभा से रहता हूं। बीजेपी सरकार से सभी लोग परेशान हैं। डीजल, गैस, पेट्रोल सब एक आंधी की तरह बढ़ रहे हैं। क्या आप योगी जी के कामों से खुश नहीं हैं? कोई भी जनता खुश नहीं है। ये सब मीडिया और लोगों का बढ़ावा है, बाकी जमीन पर कुछ काम नहीं है। जनता तो ये बोलती है कि बहुत सी सड़कें बनवाई हैं, बहुत सी लाइटें लगवाई, तो आपको वो विकास नजर नहीं आता? जो पिछली गवर्नमेंट ने विकास करे हैं, ये लोग उन्हीं को अपना नाम देके, उन्हीं को उद्घाटन वगैरह करके उन्हीं पे अपना वो कर रहे हैं, बाकी जमीन पर कोई काम नहीं है। किसान के लिए कोई सुविधा नहीं है। आपकी नजरों में किसान सम्मान राशि भी तो मिली थी? किसान सम्मान राशि कुछ लोगों को आ रही है, कुछों को बिल्कुल नहीं आ रही। गैस सब्सिडी पहले आती थी, अब बिल्कुल नहीं आ रही। ऐसे बोलते हैं कि राशन भी आता है? राशन कुछ लोगों को दिया जा रहा है। क्या राशन पहले भी आता था? राशन तो पहले भी आता था, लेकिन अब कुछ लोगों को फ्री के उसमें जो मोटे वाले चावल होते हैं वो दे रखे हैं। बाकी किसान का लूट के धर रहे हैं, 1500 रुपये 1200 रुपये क्विंटल किसान का जो लागत है वो भी नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि जो राशन बट रहा था वो पहले भी बढ़ता है, ये लोग चर्चे ज़्यादा करते हैं। राशन पहले ही बढ़ता था, लेकिन पहले मीडिया सपोर्ट नहीं करती थी। आज जो सपोर्ट करती है, जरा सी मीडिया उछाल के दिखाती है। जी तो फिर आपकी नज़रों में 2022 में आप किसका रुख करेंगे, योगी सरकार का या फिर अखिलेश सरकार का या फिर मायावती, किसका आप रुख करेंगे या रालोद? 2022 में आने वाली सरकार अखिलेश भैया की होगी, किसान भाइयों की होगी और इसका सफाया होगा यूपी से, योगी सरकार। आप जातवाद में नहीं बटेंगे? जातिवाद में कोई नहीं बटेगा, मैं जाटव जाति से हूँ। जो प्रत्याशी बढ़िया होगा उसको वोट दिया जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए जानते हैं। चलिए हमारे यहाँ पे हमारे साथ कुछ मात्र शक्ति और हमारी चाची ताई, ये भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, इनसे जानते हैं। गैस सिलेंडर बहुत महंगा है तो इन्हीं को वो किल्लत भुगतनी पड़ती है। 2022 में आप समाजवादी की सरकार चुनेंगी या फिर जो 840 कुछ रुपए का सिलेंडर किया है योगी सरकार ने, या उन्हें चुनेंगी? जी अखिलेश यादव को चुनेंगे। क्यों चुनेंगी, क्या किया उन्होंने? उन्होंने बहुत कुछ किया है। जी बिल्कुल, चलिए ये अखिलेश जी को चुनेंगी। आई हैं तो यहाँ पर भी सभी जाति और सभी धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं, जानते हैं इनसे इनकी राय। क्या आप 2022 में योगी जी को लाना चाहेंगे? नहीं साहब, अखिलेश सरकार को लाना चाहते। क्यों नहीं लाना चाहते? सुना है योगी जी ने बहुत काम किया। अरे इन्होंने हमारे यहाँ कोई काम नहीं करा। जिला पंचायत में तो इनके अध्यक्ष बहुत सारे बने हैं। जबरदस्ती बने सब, बेईमाने से आपका ये कहना है? जी बिल्कुल, एक चाचा और बैठे हुए हैं हमारे पास में, जानते हैं। ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं कि बेईमाने से बने? जबरदस्ती की लाठीचार्ज करवा दें पुलिस से, अपना धंधा करवा रखा है इन्होंने, जबरदस्ती की सरकार बना रहे हैं अपनी। जी बिल्कुल, तो अगर कहीं ना कहीं ऐसे जबरदस्ती चली 2024 में फिर से केंद्र में बीजेपी आती है या 2022 में योगी सरकार आती है, तो आने वाले समय में आपका बोलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये आपका मानना है? बिल्कुल मानना है जी। सारी तो इन्होंने ट्रेन बंद करवा रखी है, सगले इनको बेच बेच कर आ गए, कोई काम ना करवाया आज तक इन्होंने। योगी है वो धर्म का सा पल्ला ओढ़े डोले, उसका यही पता ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी बिल्कुल चाचा, देखिए आप लोग यहाँ पे तीन धर्मों के लोग बैठे हुए हैं, तो क्या अब की बार आप 2022 में वोट डालेंगे तो वो काम को देखकर, युवा बेरोजगार है उन्हें देखकर डालेंगे, धर्मवाद में नहीं बटेंगे? बिल्कुल ना बटेंगे जी। और क्या कहते हैं, ये तो गैस भी जो क्या कहते हैं 900 रुपये का कर दिया, हम 920 का दे रहे हैं। 2022 में योगी सरकार या फिर अखिलेश सरकार? अखिलेश ही सरकार आएगी जी। जी यहाँ तो पूरा जमावड़ा कार के लिए ही है, देखते रहिएगा हमारे साथ मौलिक शक्ति न्यूज।
जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। कहाँ से हैं आप? ग्राम इस्माइलपुर। अरे आप तो पूना पंडित के गांव से हैं। पूर्व प्रधान हूँ इस्माइलपुर गांव का। जी चलिए, मैंने उनका बहुत सुना है, उनका नाम है, आपके गांव का नाम है। आपके गांव में से पहले से ही बहुत से लोग क्रांतिकारी निकले हैं, बहुत से लोग फौज में बहुत सी सेवाएं देते हैं, फिर भी सरकार ये कहती है कि आप उनके साथ नहीं हैं, आप उनके विरोध में हैं। नहीं नहीं, पूनम पंडित हमारी बेटी है, वो हमारे परिवार की है, उसने बहुत संघर्ष करा, पूरा गाँव उनके साथ है, पूरा चौबीसा साथ है, गाँव की तो बात छोड़ो, पूरा चौबीसा साथ है उनके, छत्तीसा। चलिए बिल्कुल, बहुत मेहनत कर रही है, काश हम भी इतनी मेहनत कर पाएं। बाकी आप 2022 में किसको वोट देना पसंद करेंगे? क्या योगी जी को वोट देंगे? क्योंकि योगी जी ने बहुत सी सड़कें बना दी और बहुत सी लाइटें लगा दी हैं, बहुत से बैनर लगाए हैं वैक्सीन के। ये सब मीडिया में दिखाया जाता है, योगी जी ने ज़मीन पर कोई काम नहीं करा। जब हमारे अखिलेश यादव जी की सरकार के बाद इन्होंने ये कहा था कि हम गड्ढे भरा रहे हैं, हम इनसे पूछो कि कितने गड्ढे भरवा दिए इन्होंने। ये बहुत शरीफ और ईमानदार बनते हैं। अब इनसे पूछे कि रेत की ट्रॉली कितने की मिल रही है, बिजली का बिल कितना हो गया जो है, डीजल और पेट्रोल की क्या कीमत हो गई। मोहन भागवत जी का एक बयान आया है धर्मों को लेकर के, जैसा कि उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान कभी दो थे ही नहीं, और उससे पहले ये लोग धर्मवाद में बांटते हैं, तो कहीं ये चुनाव में फायदा उठाने के लिए मुसलमानों का साथ चाहते हैं? ऐसा है, इनका धर्म के नाम पे वोट लेने का ही काम करते हैं ये, इन्हें धर्म के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और पूछना इनसे कभी क्वेश्चन करना, रामायण में ये लिखा हुआ है कि राजा अगर सही ना हो तो उस राज्य में और उस देश में विपदाएं आती हैं, टिड्डी दल आता है, महामारी आती हैं, बीमारियां आती हैं, वही हो रहा है इस देश में। मोदी जी भी योग्य प्रधानमंत्री नहीं है और यहाँ योगी जी भी योग्य मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए इस देश पर आफत आ रही है। वैक्सीन तो दी है ना उन्होंने फ्री में? वैक्सीन क्या दिए इन्होंने फ्री में, इससे पहले इन्हें ये नहीं पता, इनके पास तो ये भी डाटा नहीं है कि हिंदुस्तान में कितने लोग कोरोना से मर गए, अभी तो इनके पास में वही सही डाटा नहीं है। तो फिर आप 2022 में चाहते हैं कि बदलाव हो? बदलाव हो, जनता चाहती है, ये मैं नहीं चाहता, पूरी जनता चाहती है उत्तर प्रदेश की। अखिलेश यादव ने इतने अच्छे काम किए थे यहाँ लोगों को, जो ये आप सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, आधों की भी नहीं आ रही। उन्होंने समाजवादी पेंशन दी थी, उस टाइम पे कम से कम 50 लाख से ज़्यादा लोगों को समाजवादी पेंशन दी थी। किसानों को इतना सम्मान निधि नहीं मिलती है, उसी पैटर्न पे केवल 500 रुपये महीने के हिसाब से इन्होंने एक सम्मान निधि चलाई है, उससे ज़्यादा अखिलेश यादव जी समाजवादी पेंशन के रूप में देने का काम करते थे। तो फिर 2022 में आप सरकार को हटाएंगे, बदलाव करेंगे, तो फिर आप किस सरकार को लाना चाहते हैं? यहाँ समाजवादी सरकार आएगी, 100% आएगी, कोई दोराय नहीं है इसमें। अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, याद कर रही है जनता उनको, उनके काम को। चलिए, तो ये राम नाम की लूट सके तो लूट, जिसकी मर्जी चाहे वो चल रहा है राज्य में, तो राम नाम की लूट पे आप नहीं इनको वोट देंगे? देखिएगा, ऐसा इन्हें राम नाम के नाम पे ये बन गए, लेकिन इन्हें पता नहीं है, ये रामायण में जब भगवान राम वनवास के लिए गए थे और भरत उन्हें मनाने के लिए घर वापसी के लिए आए, लेने के लिए गए थे, तब भरत से कहा था कि आप इस गद्दी पे बैठिए, आप राजा बनिए। तो भरत ने ये शब्द कहा था कि मैं इस गद्दी पे बैठने के योग्य नहीं हूँ। अगर राजा योग्य ना हो तो उस राज्य में बीमारियाँ, विपदाएँ, आपदाएँ, टिड्डी दल और महामारी जैसे रोग आते हैं, तो मैं अपने आप को योग्य नहीं मानता इस सीट के लिए, इस गद्दी के लिए, मैं अयोध्या का राजा नहीं बन सकता, मैं योग्य नहीं मानता। तो मैं ये मानता हूँ कि जिस राम के नाम पर ये बन गए, ये दोनों ही योग्य नहीं है। और चाणक्य ने ये बात कही थी, उनसे पूछा था कि आपने चंद्रगुप्त मौर्य को इतना बड़ा एक चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, आप इस गद्दी पे क्यों नहीं बैठे? तो उन्होंने ये कहा था कि जिस आदमी ने गृहस्थी ना पाली हो, गृहस्थी ना हो, वो नहीं जानता कि गृहस्थी का क्या जरूरतें होती हैं, क्या मतलब आवश्यकताएं होती हैं। ये गद्दी पे बैठे, इन्हें नहीं पता। और दोनों ही ऐसे ही हैं, एक छोड़ के भाग गया और एक पांडु है जो है, ये दोनों ही ऐसे एक तरह से जो है, तो इन्हें क्या पता? जो औरत कभी माँ ना बनी हो उसे क्या पता प्रसव की क्या पीड़ा होती है? ये गृहस्थी नहीं है, इनके संतान नहीं है, इन्हें क्या पता परिवार कैसे चलते हैं? तो ये बैठा दिए बस एक अपने भगवाधारी बहन करके अपने राम नाम के नाम पर चलते हैं, बाकी इन्हें कुछ नहीं पता। आपकी बार राम नाम पे इनकी जो है जीत बिल्कुल नहीं हो गई, यही कहना चाहते हैं? जनता त्रस्त है, समझ चुकी। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, युवा इस कदर भाजपा को वोट दिया था, यूथ ने हमारे रोके नहीं रोका था, तब वो ये कहते थे कि ये बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, ये जो तुम्हारी जो है CBSE या उसके जो तुम्हारे जो पेपर वगैरह होते हैं उसमें जो है ये सारी जो है रोक देंगे, जो है SSC वगैरह की वो जो सेटिंग वगैरह खत्म कर देंगे। लेकिन और भ्रष्टाचार बढ़ गया, पहले सेटिंग 5 लाख में होती थी कांग्रेस के टाइम में, अब 15 लाख में होती है। चलिए, क्या नाम है आपका? हरेंद्र कुमार। हरेंद्र कुमार, आप यहीं से हैं जी?
चलिए, 2022 में आप उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहते हैं या फिर से योगी सरकार चाहते हैं? बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा। क्यों चाहते हैं? लोग बोलते हैं काम तो बहुत किए हैं योगी जी ने। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। व्यापारी तो परेशान नहीं नजर आ रहा, व्यापारियों के तो शटर बंद हो जाते हैं। व्यापारी भी परेशान है, बड़े व्यापारी परेशान नहीं है, लेकिन जो मध्यवर्गीय और छोटा व्यापारी सब ठेले वाले परेशान है। जी, तो आप 2022 में बदलाव चाहते हैं? जी जी। किसकी सरकार लाना चाहते हैं आप, समाजवादी की या बहुजन वाली या फिर आप योगी सरकार? योगी सरकार को तो जानना निश्चित है, और आने वाले समय में जो अखिलेश सरकार आएगी, अखिलेश सरकार ने पिछले 5 वर्ष जो चले थे वो बहुत अच्छे चले थे, अच्छी सरकार चलाई थी, बहुत अच्छा काम किया था। अभी तो आपने देखा जिला पंचायत पुलिस प्रशासन ने चुनाव लड़ा है, माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हर जिले में DM और SSP जो है चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि कोई प्रत्याशी लड़ रहा है। गाजियाबाद जिले में जो है 2 प्रत्याशी इनके चुनाव जीते और वहाँ इनका निर्विरोध हो गया। गाजियाबाद में इतने जिला पंचायत सदस्यों में कोई टिकट भरने वाला नहीं हुआ, और जबकि विपक्ष में बाकी सदस्य विपक्ष के थे, 2 सदस्य भाजपा के जीते और भाजपा का निर्विरोध हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है ना शासन प्रशासन का जो है बड़ा डंडा है जिससे जो है ये लोग बने हैं। बाकी सभी का जो है समीक्षा होगी और ये उतरेंगे आने वाले समय में जब सरकार चेंज होगी। तो चुनाव आयोग तो है ही नहीं कहीं भी, चुनाव आयोग तो पार्टी के हो जाते हैं। अब हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव आयोग BJP के लिए काम कर रहा है, BJP के लिए ही सब कुछ तय बैठा है, बना हुआ सब कुछ। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो है पब्लिक में क्यों ये पब्लिक का चुनाव करा रहे हैं, योगी जी जाएं वहीं से मनोनीत करके अपना अध्यक्ष भेज दें, मनोनीत करके वहीं से अपना प्रमुख भेज दें। सभी पंचायत के चुनावों में जब ये अपनी मनमानी करने पर उतारू हैं तो वहीं से अपना जो है मनोनीत करके भेज दें। क्यों प्रशासन का पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हैं? आप सिकंदराबाद विधानसभा से हैं, आपके सिकंदराबाद विधानसभा में और जिला बुलंदशहर में कितने कार्य हुए हैं जो योगी सरकार ने कराए हैं? बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल खूब भारी भरकम आ रहा है अब। पहले कितना आता था? पहले से दूना से हो गया है, अब दूना हो गया। और बिजली कैसी आती है? बिजली भी योगी जी ने वादा किया था कि 24 घंटे बिजली आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जो है हो सकता है कि अब इन्होंने दिन जो है बढ़ा दिए हों, 32 घंटे का दिन कर दिया हो तो उसमें 24 घंटे दे रहे हों, बाकी 8 घंटे बिजली नहीं आ रही है। चलिए, तो फिर आप 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? 2022 में तो देखो यहाँ पे सफाई जो है आएगी, और ये जो BJP का जो कार्यकलाप है सब खत्म होंगे और इनकी तानाशाही खत्म होगी। गरीब मजदूर लोग जो है चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो, बड़े स्तर पर बदलाव हो।